WTC के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 209 रनों से टीम इंडिया ने खिताबी मुकाबला जीत लिया। पांचवें दिन तक ये मैच चला था, उम्मीद थी कि टीम इंडिया एक बड़ा चमत्कार करेगी और खिताब जीतेगी, लेकिन पैट कमिंस एंड कंपनी ने ऐसा होने नहीं दिया और हार के बाद अब हर कोई किसी और पर दोष मंड रहा है। कप्तान कहते हैं कि गेंदबाजों ने हराया, कोच कहते हैं कि हम तैयार नहीं थे, BCCI बॉस कहते हैं कि वो पहले दिन ही हार गए थे और अब इस हार पर टीम इंडिया में ही फूट पड़ गई है, क्योंकि कोच अलग बयान देता है, कप्तान अलग बयान देता है, तो BCCI के बॉस रॉजर वेन्ने भी अलग बयान देते हैं। हारने के बाद तरह तरह की बातें जो है वो सामने आई। ऐसे में रोहित शर्मा ने हारने का कारण तैयारी को बताया। रोहित शर्मा ने कहा कि इस तरह के फाइनल के लिए आपको तैयार होने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। मैं खुद 20 से 25 दिनों के लिए तैयारी करना पसंद करता हूँ। पिछली बार इंग्लैंड दौरे पर हमें अपने आप को तैयार करने के लिए काफ़ी समय मिला था। तेज़ गेंदबाजों को आराम मिलता है, आदर्श स्थिति में तैयारी के लिए इतना समय मिलना चाहिए। तो रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि हम हारे इसलिए क्योंकि हम तैयार नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें तो IPL खेलना रोहित शर्मा की बड़ी जिम्मेदारी नहीं था, वो आराम कर सकते थे, लेकिन वो मुंबई इंडियंस के लिए लगातार IPL खेलते रहे। विराट कोहली RCB के लिए IPL खेलते रहे, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी GT के लिए IPL खेलते रहे, मोहम्मद सिराज RCB के लिए IPL खेलते रहे, रविंद्र जडेजा CSK के लिए लगातार IPL खेलते रहे। हो सकता था कि वो आराम करते और तैयारी करने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते, IPL के कुछ मैच वो छोड़ सकते थे, लेकिन BCCI ने खिलाड़ियों को भी IPL खेलने के लिए मंजूरी दी। हालांकि BCCI ने कई बार फ्रेंचाइजी से कहा था कि खिलाड़ियों को आराम दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि हमें अगर तैयारी करने का मौका और मिलता तो शायद हम मैच जीत जाते, क्योंकि IPL खत्म होने के बाद ही टीम इंडिया इकट्ठी हुई इंग्लैंड में। हालांकि कुछ खिलाड़ी पहले गए थे, लेकिन बाद में पूरी टीम जो है वो इकट्ठी हुई और नतीजा आधी अधूरी तैयारी के साथ टीम इंडिया मैच में उतरी और नतीजा सबके सामने है। एक बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जो है हमने गंवा दिया। अब यहाँ पे BCCI के बॉस रॉजर बिन्नी क्या कहते हैं। रॉजर बिन्नी ने तो यही कह दिया कि पहले दिन ही टीम इंडिया हार गई, टीम इंडिया ने तो 4-5 दिन मैच खेला ही नहीं, वो पहले दिन ही अपनी जो थी स्थिति वो गंवा चुकी थी और मुकाबला हम हार चुके थे। रॉजर बिन्नी के मुताबिक हम पहले दिन ही मैच हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने जो बड़ी साझेदारी की उसने वास्तव में इस खेल में टेबल ही बदल दी थी, नहीं तो खेल बराबरी का था। यदि आप उस साझेदारी को हटा दें जो खेल पूरी तरह से बराबर था, मुझे लगता है कि हमने पांचवें दिन के लिए काफ़ी देर कर दी, लेकिन हम पहले दिन गेम हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ज़्यादा रनों की बड़ी साझेदारी की जिसने वास्तव में पासा पलट दिया, उस साझेदारी को छोड़कर मैच बराबरी का था। हमें इस हार के बाद भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। भविष्य में हमारे सामने कई बड़े टूर्नामेंट हैं जिसमें वर्ल्ड कप भी घर पर होना है, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो BCCI के बॉस ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन हार गए थे, कप्तान साहब का कहना है कि हमें तैयारियों का मौका नहीं मिला था, अगर तैयारी करनी थी तो आप IPL छोड़ सकते थे, इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। कोच राहुल द्रविड़ कहते हैं कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, मौसम का फ़ायदा नहीं उठाया। अब ये तो वही बात हो गई कि हर कोई जो है वो अपने आप को क्लीन रखना चाहता है और एक दूसरे पर दोष डाल रहा है कि उसकी वजह से हम हार गए, इसकी वजह से हम हार गए। लेकिन इस हार से वाकई टीम इंडिया काफ़ी बदल चुकी है, लगभग टूट भी चुकी है, क्योंकि कप्तान का बयान अलग है, BCCI बॉस का बयान अलग है। अब देखना होगा कि इन सब हार को भूल, इन सब बयानों को भूल, टीम इंडिया भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में क्या कमाल करती है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।